हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 15 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफी इजिली मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। साथ साथ ये भी बता देना कि 2019 का वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या रखा गया था। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मास्केट ऑफ द नेशनल गेम्स 2022, 2022 के जो नेशनल गेम्स होंगे तो मास्कट क्या रखा जाएगा। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर्स शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन, जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, MVPY। तो इस स्कीम को अनाउंसमेंट किया, इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताने की कौन सी स्टेट करेगी। सबसे पहले आंसर बता दूं, ये है जी बिहार, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत होगा क्या कि जो भी सीनियर सिटीजन से एक्सेप्ट कि वो गवर्नमेंट रिटायर्ड सीनियर सिटीजन नहीं होने चाहिए, तो उनको 400 पर मंथ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 400 रुपए पेंशन देगी हर सीनियर सिटीजन को, बट ये कि वो सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट रिटायर्ड नहीं होने चाहिए, 400 रुपए प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अंडर दिस स्कीम, जिसका नाम याद रखना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो करेक्ट आंसर इज बिहार। एंड अबाउट बिहार के बारे में जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल है जी पटना, सीएम नीतीश कुमार, एंड वहां के गवर्नर है लालजी टंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास्ड 5% कोटा टू द गुजर्स एंड 4 अदर नोमैडिक कम्युनिटीज। किसी स्टेट की असेंबली ने ये पास कर दिया, ठीक है, तो 5% कोटा प्रोवाइड किया जाएगा इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन गुजर्स एंड अदर 4 नोमैडिक कम्युनिटीज। कौन सी स्टेट है यह जी? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। असेंबली ने हाल ही में ये बिल पास किया, ठीक है। एंड अबाउट राजस्थान, जो चीज आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल जो जयपुर, ठीक है, सीएम अशोक गहलोत, एंड वहां के जो गवर्नर हैं कल्याण सिंह, ठीक है। तो इतनी दो ये चीजें तो बेसिक चीजें तो आपको याद रखनी रखनी, एंड करेक्ट आंसर राजस्थान। एक चीज देखो, वीडियोज पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियोज हेल्प कर रहे हैं, देन श्योरली यू हैव टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स रिलेटेड टू स्टडी रिलेटेड ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं आप उन्हें शेयर जरूर करोगे। एंड आज के वीडियो का भी लाइक टारगेट है जी हमारा 1000 लाइक्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, देन श्योरली यू हैव टू अचीव दिस टारगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। सो इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, ये है जी ऑप्शन नंबर डी, पी चिदम्बरम। ओके, पी चिदम्बरम इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड इस बुक को हाल ही में जारी किया गया बाय हामिद अंसारी। एंड इस बुक के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मतलब जो मेन एसेज हैं इस बुक में होगा क्या, ठीक है, जो मेन दो टॉपिक्स हैं, फेयर ऑफ कंट्री एटमॉस्फेयर, एंड सेकेंड टॉपिक इसका मेन टॉपिक है थ्रेटन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। तो इस बुक को हाल ही में जारी किया गया, एंड इस बुक के ऑथर हैं पी चिदम्बरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड हामिद अंसारी ने इस बुक को रिलीज किया, जो हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट। Then fourth question is, which bill has been introduced to arrest the cases of Indian women being trapped in fraudulent marriage with NRI, ठीक है, non-resident of India, एक bill हाल ही में ये pass किया गया, ठीक है, जो fraud cases हो जाते हैं हमारे Indian women के साथ, जो NRIs के साथ marriage कर लेती हैं, ठीक है, तो ये bill pass हुआ, इसका नाम है जी registration of marriage of non-resident Indian bill 2019, ठीक है। इस bill के तहत देखो, ये bill pass ही हुआ कि fraud cases से बचाया जाए। एंड इस बिल के तहत कि जो भी अगर वुमेन अगर मैरिज करती है किसी नॉन रेजिडेंट के साथ, तो 30 डेज के बिटवीन उसे खुद को रजिस्टर भी करवाना होगा, ठीक है। तो इस बिल को याद रख लेना, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल 2019। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। तो 11 फरवरी को जो होता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें इस बारे का थीम क्या रखा गया था। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हेल्ड इट्स थर्ड एनवायरमेंट फोरम ऑन 13 फरवरी,
या 13 फरवरी को हुआ, तो ये बताना है कि इन्वायरमेंटल फॉर्म है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ हुआ है। तो जो जिसका थीम रखा गया जी क्लीनर एयर ग्रीन इकोनॉमी, तो जो है जी वो बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, ओके, जर्मनी के साथ हुआ, अबाउट जर्मनी, कैपिटल बर्लिन एंड करेंसी इज यूरो, ओके। सेवंथ क्वेश्चन इज जेम्स चैडविक हु बिकम द फर्स्ट फीमेल ड्राइवर टू विन MRF चैलेंज टाइटल, तो ये बताना है कि कौन सी नेशन से बिलोंग करते हैं, शी इज फ्रॉम विच कंट्री, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ओके, तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगा, जो चेन्नई में हो रहे थे, इन्होंने ये फर्स्ट फीमेल बनी जिन्होंने ये जीता था, ओके। एट्थ क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज नाउ ऑफिशियली चेंज्ड इट्स नेम टू नॉर्थ मैकेडोनिया, ठीक है, पहले इसका नाम था रिपब्लिक, फुल नेम था रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया, अब ऑफिशियली चेंज हो गया इस कंट्री का नाम, अब हो गया जी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया, तो कौन सी कंट्री है जो अभी हाल ही में नाटो की 30वां सदस्य भी बना था, इसका करेक्ट आंसर है जी, आप सब समझ गए जी, ऑप्शन नंबर ए मैकेडोनिया, ठीक है, जो उसकी कैपिटल है जी वह जी स्कोपजे, एंड वहां मैकेडोनिया की जो करेंसी है मैकेडोनियन दिनार, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी रिसेंटली कैरिड आउट एनुअल एक्साइज, एक एनुअल एक्साइज हुई जिसका नाम है जी एक्साइज तोपची, तो ये आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में हाल ही में ये कंडक्ट हुई, ठीक है, तो ये हुई जी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक शहर में, ओके। एक्साइज का नाम याद ना, एक्साइज तोपची, एंड अभी हाल ही में एक्साइज राहत भी हुई थी, वो हुई थी राजस्थान, ओके। एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज लेजेंडरी गोलकीपर गार्डन बैंक्स, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, काफी टाइम से कैंसर डिजीज के साथ जूझ रहे थे, अब इनका काफी लेजेंडरी, काफी जाने माने गोलकीपर थे, तो ये बताना है कि कौन से नेशन से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो ये बिलोंग करते थे जी इंग्लैंड से, ओके, करेक्ट, की पिक्चर भी आपके सामने, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, ओके। ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप सारी चीजें क्लियर है। देखो कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप किस दिन 15 क्वेश्चन कर रहे हो, किस दिन आप 12 कर रहे हो, किस दिन 10 कर रहे हो, देखो यार करंट अफेयर्स आपको ऐसा नहीं होता कि आपको डेली आपको 15 से 20 ही मिलेंगे या नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली सेम होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ये चीज भी थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, ये डिपेंड करता है कि अब आपको मैं वैसे तो देखा जाए आपको डेली आपको 15 से 20 से 25 क्वेश्चंस भी करवाना, इट्स नॉट ए टफ टास्क, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी होते हैं, बट करंट अफेयर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किस लेवल्स के नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं या उनको आइडेंटिफाई करना भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखती करो। एंड अब जो कल जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, सबसे पहले उनके आंसर्स, इंदिरा सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश आपको बताना है कि कौन सी रिवर पे, ठीक है, इनके करेक्ट आंसर आप देख सकते हो, ये सारे आंसर्स आपके सामने, एंड मैं डेली बोलता हूँ आप पिंड कमेंट जरूर पढ़ा करो, स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे में डिटेल वे में लिखते हैं, एंड उससे आपको बाकी चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें इसमें से जस्ट आपको साथ में आंसर शेयर करो, बट श्योरली आप उनको जरूर देखा करो, आप कमेंट जरूर पढ़ लिया करो, जो पिंड कमेंट होते हैं टॉप पे वो जरूर एक बार देख लिया करो, आप चाहे तो आप उसे नोट डाउन करके भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये 5 आंसर, रिहान डैम कहाँ पे आई जी, ये उत्तर प्रदेश, सरदार सरोवर डैम गुजरात में और नर्मदा रिवर पे, उकाई डैम गुजरात में है जी तप्ती रिवर पे, उसके बाद तहरी डैम उत्तराखंड एंड बागृती रिवर, ओके। तो ये 5 के, एंड आज के लिए जो 5 क्वेश्चन है आपके रिलेटेड टू फिजिक्स सेक्शन, ठीक है, बेसिक्स कुछ क्वेश्चन आपने बताने हैं मुझे, एंड अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वैसे ही करेंगे हम, सब्जेक्ट वाइज लेंगे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट बेसिक बेसिक टर्म्स हम सारे सब्जेक्ट्स के हमारी एक ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो जाए, ओके। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना आपने, देन सेकेंड आपने मुझे बताना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड टेस्ला बताना है किसका यूनिट है, एंड फोर्थ वन इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वाट के, ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ वन बताना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन 5 के मुझे बताओ, एंड आज के वीडियो में इतना ही, आई होप सारी चीजें क्लियर है, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।